25 साल पहले हुआ था, अभी भी हुआ। हाँ। तो मनुवादी जो ताकते हैं वो षड्यंत्र करती है या फिर अफवाहें फैलाती है। हिस्टोरिकल डे कल का रहा है, जहां पर बहुजन समाज ने पूरे सोशल मीडिया के अंदर में अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि हम भी अपना एक बहुजन समाज में वजूद रखते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मिशनरी फराह। इंस्पिरेशन के लिए अपने पास में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है बोधिसत्व दिनदर्शिका, क्योंकि यहाँ से जो नई पॉजिटिविटी आती है कि हर दिन महापुरुषों ने हमारे क्या क्या किया था। तो आज की जो तारीख है वह 13 जून, और 13 जून को क्या हुआ था, 29 मार्च सत्याग्रह केस में कोर्ट ने बहिष्कृत वर्गों के समर्थन में निर्णय दिया था। तो बाबा साहब ने पानी का सत्याग्रह इस देश के अंदर में किया, जो महाड़ में हुआ, और बहिष्कृत लोगों के सपोर्ट में ये निर्णय आया था आज के दिन। और भारत में बाबा साहब एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और अभी कुछ बज रहा है 1, और अभी मैं मीटिंग में चल रहा हूँ, काफी ज्यादा लेट हो चुका है। एक मैजिक दिखा रहा हूँ, देखिए। तो अभी हम लोग शादी में जा रहे हैं, हमारे जहाँ पर रहते वहाँ के पास में एक शादी थी। अभी मेरे साथ में है प्रणय भाऊ, कृष्णा, अशोक, विक्की, अपन ने इसको बोलते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं, दिखाते वहाँ। तो शादी से अपन निकल चुके हैं और बहुत स्वादिष्ट खाना था, और अभी अपन चल रहे हैं दूसरे एक प्लेस पर। तो ताई के यहाँ पर अपन पहुँच चुके, और जब भी यहाँ पर आते हैं कुछ ना कुछ एक अच्छा डिस्कशन होता है। तो जो कल जो चीज़ हुई, जो हिस्टोरिकल चीज़ हुई, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, इनका एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ है 25 साल के बाद में। एक ऐसा गठबंधन हुआ है, मेरे साथ में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि प्रणय भाव और विक्की है, कृष्णा, अशोक। तो बहुजन समाज की क्या प्रतिक्रिया, या आपने जब पहली बार इस गठबंधन की न्यूज जब मीडिया में देखी तो आपने क्या सोचा, यार आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय में? ये तो बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, जो 25 साल पहले हुआ था अभी भी हुआ, गठबंधन बहुत अच्छा हुआ। हाँ। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता को बहुत खुशी हुई। तो अभी ये जो 25 साल के बाद में, जैसा कि अभी प्रणय भाऊ ने बताया कि जो गठबंधन हुआ है, तो ये वाला गठबंधन क्या बहुजनों की सरकार लाएगा, क्या लगता है विक्की? बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा सा फूंक हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। तो द थिंग पर भी अभी जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो सभी के सभी वायरल जा रहे हैं, जो कि गठबंधन को लेकर है। तो गठबंधन के ऊपर में एक द थिंग का क्या सोच है, मुझे बताइए, कि जिससे हमारे जो व्यूवर्स है उनको एक भी क्लैरिफिकेशन आए कि ये गठबंधन किस तरीके से बहुजन की सरकार बना सकता है या नहीं। पंजाब के अंदर जो गठबंधन हुआ है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन जब भी सामाजिक गठबंधन होता है, हाँ, उसका पॉजिटिव ही न्यूज आती है, पॉजिटिव ही खबर आती है। मैं इस गठबंधन के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि बहन जी हमेशा कहते हैं कि जब आप सत्ता की तरफ बढ़ते हो तो मनुवादी जो ताकते हैं वो षड्यंत्र करती है या फिर अफवाहें फैलाती है। आज आम आदमी पार्टी की बौखलाहट देखकर यह समझ में आ रहा है कि जो पंजाब के अंदर जो हुआ वो सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मनुवादी पक्षों के लिए जो है वो अब बौखलाहट का विषय है, उनका पेट दर्द होना। पर सबसे ज्यादा तकलीफ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हुई है, क्योंकि ये 1996 में जब गठबंधन हुआ था तो इसके जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही अच्छा आया था। 13 में से 11 सीटें हमने जीती थी, यानी बसपा गठबंधन ने जीती थी। तो ये भी गठबंधन एक पॉजिटिव रिजल्ट ही हमको देने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का जो ब्लॉग है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो चुका है, काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।